हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एहसान अली इलेक्ट्रिशियन में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं आप लोग के बीच। दोस्तों आज दिखाएंगे 3 सॉकेट और 2 स्विच। ये मेरे पास 8 मॉडल का बोर्ड है, इसमें किस तरह से लगाते हैं आइए दिखाते हैं इस वीडियो में और किस तरह से सही होता है। 2 ही स्विच है, 3 सॉकेट। तो 16 एम्पियर का स्विच है मेरे पास दोस्तों, देख लीजिए, और 16 एम्पियर का सॉकेट भी है मेरे पास, ये देख लीजिए 16 एम्पियर का सॉकेट है। इसको दिखाते हैं फिटिंग किस तरह से हम करते हैं और इसका सही तरीका क्या है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इसमें देख लेना है, ये मेरे पास जो 8 मॉडल ओरिएंट का प्लेट है, इस तरह से देख लीजिए। और इसमें आप किस तरह से, इसमें दोस्तों उल्टा और सीधा नहीं होता, आप इस साइड से भी लगा सकते हैं और आप इस साइड से भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं स्विच सॉकेट किस तरह से लगाता है। दोस्तों सबसे पहले जो है देख लीजिए, स्विच सॉकेट में एक न्यूट्रल होता है और एक एल होता है। तो दोस्तों आप जिस भी पावर प्लग बोर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं, तो इसमें अगर एक पलटी करके रहेगा तो दोस्तों उसमें फिर आपका मशीन में दिक्कत हो सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, एल को जो है हमको दाहिना साइड रखना है। कभी भी कोई भी बोर्ड बनाइए तो एल को दाहिना साइड ही रख के बनाइए। तो इस तरह से इसको डाल देना है यहाँ लॉक में फंसा के, और इस तरह से दोस्तों चाप देना है, हो गया। अब देख लीजिए दोस्तों, दूसरा सॉकेट लगाना है। तो दूसरा सॉकेट ये जो है, आप दूसरा सॉकेट को बेचिए मूसी की तरह, इस तरह से एल पॉइंट वहीं पे जाना चाहिए, लगा दिए इस तरह से। तो दोस्तों मेरे पास दो सॉकेट लग गया है अब मेरे पास। तो दोस्तों देख लीजिए, बहुत सा आदमी किस तरह से लगाते हैं और देख लीजिए ये है। तो हम दोस्तों इस हिसाब से हम बनाते हैं, इस हिसाब से अभी हम इसको इस हिसाब से यहाँ से इस तरह से चाप देना है। और ये वाला सॉकेट को तो दोस्तों यहाँ पे झमेला है, तो करना क्या है, यहाँ भी दोस्तों एल मेरा यही सेट जा रहा है, तो मेरा बोर्ड एकदम बिल्कुल सही बन रहा है। तो इसको इस तरह से चाप के इस तरह से लगा देते हैं। दोस्तों ये मेरा लग गया। अब दोस्तों दूसरा तरीका आप दिखाते हैं, दूसरा तरीका कौन है। तो इसको जो है, इसको सॉकेट को खोल लिए और ये स्विच को भी इस तरह से, इसमें दोस्तों लॉक होता है, इस तरह से चापने पे लॉक निकल जाता है, ये देखिए। अब दोस्तों अब दूसरा तरीका है पावर प्लग कनेक्शन करें, हाँ लेकिन दोस्तों अगर यही बोर्ड को उधर से घुमाएंगे तो नहीं होगा, ठीक। तो दूसरा तरीका ये है, इस तरह से तीनों सॉकेट को एक जगह करना है, दोस्तों एक जगह हम कर लिए। अब इस साइड हम स्विच लगा सकते हैं इस तरह से, इसको भी इस भी साइड हम इसको यहाँ पे रख के ऐसे लॉक कर दें और इसको यहाँ पे ऐसे रख के। तो दोस्तों इसमें यह चीज़ देख लेना है, ऑन है मेरा ऊपर है या नीचे है। ऑन तो हमेशा दोस्तों ऊपर रहता है, इस तरह से देख लीजिए, ऑन इस तरह से रहता है। तो दोस्तों ये बोर्ड बनाने का यही 2 तरीका है। चलिए दोस्तों इस बोर्ड को हम वायरिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।